टाइम शबनम, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ये लेके आई हूँ बूटीज, छोटी छोटी बूटीज, शूज, सॉक्स। फ्रेंड्स, ये न्यू बॉर्न बेबीज़ का साइज़ है और 3-4 मंथ तक इजीली आ जाएगी। और फ्रेंड्स, ये बनाने में बहुत इजी है, मैंने इसे गार्टर स्टिच से ही बनाया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पैटर्न डाला है क्योंकि इसके साथ, बूटीज़ के साथ का मैं पूरा सेट बना रही हूँ, पैजामी और इसका ये कैप और स्वेटर। तो उसमें जो मैंने पैटर्न डाला है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पैटर्न डाला है। आप जिस साथ, जिसके साथ भी आप बनाओ वो पैटर्न डाल सकते हो, नहीं तो पूरा इसे गार्टर स्टिच का या स्टॉकिनट स्टिच से भी बना सकते हो। तो ये बनाने में बहुत ईजी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बनाते हैं इसे। इसको बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं बेबी सॉफ्ट वूल और ये 10 नंबर निटिंग नीडल्स। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी तरह की वूल या वूल से बना कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो तो जो नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उस नंबर पर जाकर के व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। बूटीज को बनाने के लिए मैंने लिए 31 स्टिचेस और ये मेरी रॉन्ग साइड थी फंदे डालने के बाद, तो मैंने ये पूरी रो उल्टी बनाई है। अब मैंने ये मार्कर लगाए हैं, देखिए एक फंदा यहाँ छोड़ करके 31 स्टिचेज टोटल है हमारे पास। यहाँ पे एक फंदा छोड़ के ये मार्कर लगाया, इसके बाद ये 14 स्टिचेज हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। फिर यहाँ पर दोनों मार्कर के बीच में 1 स्टिच है, उसके बाद फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। 14 के बाद हमने ये फिर मार्कर लगाया है और यहाँ पर 1 स्टिच, 14, 14, 28 और एक ये 29, 30 और 31 स्टिचेस होंगे। अब हमने इसे उल्टी उल्टी रोज से बनाना है, तो गार्टर स्टिच से फर्स्ट स्टिच हम उल्टा बनाएंगे और यहाँ पर हम एक स्टिच इंक्रीज करेंगे। स्टिच इस तरह से इंक्रीज करेंगे हम यहाँ पर, और इस स्टिच मार्कर को इधर शिफ्ट कर लेंगे और ये फंदे, 14 फंदे जो हैं ये उल्टे बना लेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। अब ये मार्कर आ गया, मार्कर को इधर शिफ्ट करेंगे हम। इसको हमने उल्टी रो बनानी है तो मार्कर को बैक साइड पे रखें। अब यहाँ पर फिर हम एक स्टिच इंक्रीज करेंगे और एक ये वाला स्टिच बना लेंगे। उसके बाद फिर हमने एक स्टिच इंक्रीज करना है और फिर हम ये स्टिच बना लेंगे, सॉरी मार्कर को इधर शिफ्ट करेंगे। अब हमारे दोनों मार्कर के बीच में 3 हो गए। हमने जो स्टिच इंक्रीज करते जाना मार्कर के बीच में रहेंगे, ये वाले स्टिच इंक्रीज करेंगे तो मार्कर के इस साइड रहेंगे, ये स्टिच इंक्रीज यहाँ पे भी करेंगे तो मार्कर के इस साइड रहेंगे। तो हम एक रो में 4 जगह इंक्रीज करेंगे, 1, 2, 3, 4। और अब हम ये 14 स्टिच, ये हमारे हमेशा 14 ही रहेंगे और ये 14 स्टिचेस हम उल्टे डालेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। अब हम स्टिच मार्कर को इधर लाएंगे और एक फंदा यहाँ पर इंक्रीज करेंगे इस तरह से, और इसको भी हम उल्टा बना लेंगे। अब इधर भी हमारे 2 हो गए स्टिच मार्कर के बाद और इस साइड भी हमारे 2 हो गए। अब हमारी रॉन्ग साइड से रो है 2, तो ये रो हम पूरी उल्टी बनाएंगे। अब हम कोई इंक्रीज नहीं करेंगे और मार्कर को यहीं पे ऐसे ही रहने देंगे। अब ये फंदे उल्टे बना लेंगे। 14 स्टिचेज हमारे
उल्टे बन गए और अब हमने यहाँ पर मार्कर शिफ्ट करना है और ये तीन फंदे जो हमारे पास हैं इनको भी हमने उल्टा बना लेना है और इसको भी शिफ्ट कर लेंगे मार्कर को, क्योंकि हमने रॉन्ग साइड पे कोई इंक्रीज नहीं करने। अब ये हम उल्टे बना देंगे ये 14 स्टिचेज उल्टे बनाएंगे और अब हम मार्कर को यहीं से शिफ्ट करेंगे और ये 2 स्टिचेज हैं इन्हें भी हम उल्टा बना देंगे। अब हमारी थर्ड रो है, ये मार्कर से पहले 2 स्टिचेज हैं ये हम उल्टे बनाएंगे और उसके बाद 2 स्टिच उल्टे बनाने के बाद इस थ्रेड को इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ पर डालेंगे और ये हमारा 1 स्टिच इंक्रीज हो गया, अब 3 हो गए। इसको शिफ्ट कर लेंगे और ये हमारे 14 स्टिचेस हैं ये हम उल्टे बनाएंगे। देखिए ये 14 स्टिच हमारे उल्टे बन गए। अब मार्कर को इधर शिफ्ट करेंगे और अब हम यहाँ पर 1 स्टिच इंक्रीज करेंगे मार्कर के इधर और इधर, बीच वाले 3 स्टिच हम बना लेंगे, इस तरह से डालेंगे और 1 स्टिच इंक्रीज हो गया। ये 3 स्टिच उल्टे बनाएंगे और एक ये यहाँ पर एक और इंक्रीज करेंगे। और इस स्टिच को इधर शिफ्ट कर लेंगे और अब हम ये 14 स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारी थर्ड रो थी राइट साइड से। अब देखिए ये 14 स्टिच बन गए। अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे और इसको बैक साइड रखेंगे। अगर हम उल्टे फंदे बना रहे हैं तो स्टिच मार्कर को इधर रखिए, अगर सीधे फंदे बना रहे हैं फिर अपनी तरफ रखिए। अब देखिए यहाँ पे फिर हम इस तरह से ट्विस्ट करेंगे और ऐसे इसको डालेंगे और अब हम ये 2 फंदे भी बना देंगे। अब हमारी 4th रो है रॉन्ग साइड से। यहाँ पर हमने कोई भी इंक्रीज नहीं करना, इस रो को ऐसे ही उल्टा बनाएंगे। 3 फंदे हो गए हमारे पास, पहले 2 थे। इस स्टिच मार्कर को उस साइड कर देंगे, शिफ्ट भी करेंगे और बैक साइड को कर देंगे और ये फंदे उल्टे बना लेंगे। ये फंदे उल्टे बना लिए। अब हमने इसको इधर शिफ्ट करना है और ये बैक साइड को कर देंगे हम और यहाँ पर हमारे पास 5 स्टिचेस हैं इनको हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे और इसको शिफ्ट करेंगे और ये 14 फंदे भी उल्टे बना देंगे। ये 14 स्टिचेस उल्टे बन गए। अब हम मार्कर को यहाँ डालेंगे और ये 3 फंदे जो हैं इन्हें भी हम उल्टा बना लेंगे। अब फ्रेंड देखिए इसी तरह हम सीधी रो पे बढ़ाते जाएंगे और उल्टी रो पे हम नहीं बढ़ाएंगे और यहाँ पर हमारे पास 5 स्टिचेस हो जाएंगे। तब तक हमने मींस 2 रोज राइट साइड से हमने और बनानी है, 2 उल्टी 2 सीधी, एक उल्टी सीधी। अब एक तो अभी बढ़ जाएगा 4, फिर उल्टी बनाएंगे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर उल्टी रो बनाएंगे। तो आप 4 रोज और बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए ये हमारा इस तरह से बन गया। यहाँ पर हमारे पास 5 स्टिचेज हो गए यहाँ पर और इधर, ये 14 ही है और बीच में हमारे पास 3, 6 और ये 9 हो गए और लास्ट में भी हमारे पास 5, 5 दोनों साइड ये इक्वल है। और अब हमारे पास टोटल स्टिचेज जो हैं ये हैं 47 और अब हमने यहाँ पर पैटर्न डालना है। पैटर्न वही डालेंगे जो हम पूरे सेट में डाल रहे हैं। उसके लिए हमें स्टिचेज चाहिए मल्टीपल ऑफ 5 + 2, तो हमारे पास ये 47 स्टिचेज है। हमने दोनों साइड बॉर्डर भी बनाना है तो हम 5, 5 स्टिचेज बॉर्डर के रख लेते हैं।
तो ये हमारे हो गए 10 स्टिचेज, 47 माइनस 10 37। अब 37 हमारा जो है पैटर्न सेट आ जाएगा। 5 प्लस 2 हमें चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 2, तो हमारे 7 5 35 प्लस 2 37 स्टिचेज हो जाएंगे। तो चलिए अब हम ये पैटर्न स्टार्ट करते हैं। अब पैटर्न 4 रोज़ का है और ये हमारी राइट साइड से फर्स्ट रो है, और अब हम मार्कर जो है ये भी रिमूव कर देंगे। आप यहाँ पर बॉर्डर अगर चेंज करना चाहो तो अभी किसी भी तरह का बॉर्डर बना सकते हो, मैं इसी को कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो ये पर्ल 5, पर्ल 5 आप ज़्यादा फंदों का रखना चाहें अपने पैटर्न के हिसाब से तो बॉर्डर ज़्यादा फंदों का भी रख सकते हैं। और अब हमारा पैटर्न स्टार्ट होता है, ये हमारे बॉर्डर के स्टिचेस थे, तो यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। पर्ल 2 थ्रेड पीछे लेके जाएंगे, थर्ड स्टिच को ड्रॉप थर्ड स्टिच ओवर 2 स्टिचेस, एक फंदा कम हो गया। नाउ नीट 1, एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, थ्रेड रैप करेंगे और यहाँ पर जाली बनाएंगे, नीट 1, तो ये हमारे फिर 3 फंदे हो गए। एक फंदा कम हुआ था, एक फंदा बढ़ गया। यही हमारा 5 फंदों का रिपीट पैटर्न है। अगेन पर्ल 2, 2 फंदे उल्टे इस तरह से, थर्ड फंदे को इनके ऊपर से ड्रॉप करेंगे। अब इसको नीट 1, थ्रेड आगे लाएंगे, यार्न ओवर, नीट 1, तो यही हमारा रिपीट पैटर्न है। एक बार और देख लीजिए, 2 फंदे उल्टे। अब हमें 3 फंदों पे पैटर्न बनना है, पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर थर्ड फंदे को इस तरह से लाएंगे और थ्रेड आगे लाएंगे, इसको बनाएंगे। अगेन पर्ल 2 और थर्ड फंदे को यहाँ लाएंगे और नीट 1, यार्न ओवर, नीट 1, अगेन पैटर्न स्टार्ट। पर्ल 2, अब देखिए अभी हम 3 फंदों पे बनना है, तो इसको पहले रिमूव करना होगा और इसको इसके ऊपर से ड्रॉप करेंगे, नीट 1, यार्न ओवर, नीट 1, पर्ल 2, यार्न ओवर, सॉरी ड्रॉप थर्ड ओवर 2 स्टिचेस, नीट 1, यार्न ओवर, नीट 1, फिर 2 फंदे उल्टे, इसको इसके ऊपर से करेंगे और एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, 2 फंदे उल्टे, उल्टे। अब हम इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पर हमारा रिपीट पैटर्न इन 3 फंदों पे होता है। अब लास्ट में हमारे पास पर्ल 2 है और अब यहाँ पर हमारे बॉर्डर की स्टिचेज रहेगी। इन 5 फंदों को अगेन हम उल्टा बना लेंगे, या जिस तरह का भी आप बॉर्डर स्टार्ट कर रहे हो दोनों साइड सेम बॉर्डर स्टार्ट करेंगे। अगर आप कोई और तरह का बॉर्डर बना रहे हो तो यहाँ भी और इधर भी दोनों साइड आप इक्वल बॉर्डर एक जैसा ही बनाओगे। अब हमारी है रो 2, ये रॉन्ग साइड से, तो ये 5 स्टिचेस तो हम उल्टे फंदे हैं बटन पट्टी, सॉरी ये पट्टी के बॉर्डर के, ये तो हम ऐसे ही रखेंगे। और अब हमारे पास देखिए पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, तो यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। तो ये 2 फंदे हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं, इनको हम सीधा डालेंगे। इधर जो स्टिच जैसे दिखता हमने वैसे ही डालना है। तो यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट है, निट 2, पर्ल 3, ये 3 फंदे सीधे हैं, देखिए ये वाला और ये हमारा जाली वाला फंदा है, ये इसको भी हम उल्टा बनाएंगे, इसको, ये 3 फंदे उल्टे, यही हमारा रिपीट पैटर्न, निट 2, पर्ल 3, अगेन देखिए निट 2, पर्ल 3, 3 फंदे उल्टे, जाली वाला फंदा और ये, इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। तो ये मैं एंड में आपको दिखाती हूँ। अब देखिए हम रो के एंड में हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 फंदे उल्टे बनाए हैं और 3 फंदे, सॉरी पर्ल 3, और उसके बाद हमारा यहाँ पर रिपीट पैटर्न ओवर होता है और निट 2, लास्ट में 2 फंदे सीधे हैं, हमारा पैटर्न ओवर होता है। अब हमारे बॉर्डर के फंदे हैं 5,
इन्हें हम उल्टा बनाएंगे। पर्ल 5 स्टिचेस। अब हमारी थर्ड रो राइट साइड से, तो ये 5 स्टिचेस तो हम उल्टे ही बनाएंगे। देखिए 5 स्टिचेस उल्टे, अब हमारे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाने। देखिए ये 2 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे, 3 फंदे सीधे हैं सीधे बनाएंगे, तो यही 5 फंदों का हमारा पैटर्न चलेगा। रिपीट पैटर्न यहीं से स्टार्ट होता है। अब ये 5 फंदे उल्टे डाले हैं, अब ये पैटर्न के 2 फंदे उल्टे, पर्ल 2, निट 3, 3 फंदे सीधे। देखिए ये वाले 3 फंदे ये सीधे आएंगे, और अब ये 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, यही हमारा रिपीट पैटर्न है। पर्ल 2, निट 3, 1, 2, 3, पर्ल 2, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे। तो इसी तरह बनाते हुए मैं रो के एंड में आपको दिखाती हूँ। अब देखिए हम थर्ड रो के एंड में हैं, और यहाँ पर 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे हमारे सीधे, निट 3। और अब यहाँ पर हमारा रिपीट पैटर्न ओवर होता है, लास्ट में हमारे पास 2 फंदे उल्टे। इसके बाद 5 स्टिचेस जो बॉर्डर के हैं इन्हें भी हम उल्टा बनाएंगे। पर्ल 5। अब रॉन्ग साइड से 4th रो, और फ्रेंड्स यहाँ पर जो बॉर्डर के स्टिचेस हैं 5, ये तो हमने उल्टे ही बनाने हैं। देखिए ये 5 स्टिचेस उल्टे हो गए। अब जो फंदे जैसे दिख रहे हैं, अब देखिए हमारे अब दिखाई देना शुरू हो गया, सीधे फंदों के ऊपर सीधे फंदे, उल्टे फंदों के ऊपर उल्टे फंदे। तो यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। देखिए निट 2, 2 फंदे सीधे, पर्ल 3, ये 3 फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम उल्टा बनाएंगे। पर्ल 3, तो यही हमारा रिपीट पैटर्न है, निट 2, पर्ल 3। देखिए निट 2, पर्ल 3। तो इसी तरह हम ये बनाते हुए रो कंप्लीट करेंगे। पर्ल 3, निट 2, पर्ल 3। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और एंड में दिखाती हूँ आपको। तो देखिए लास्ट में हूँ इस रो की, और ये मैंने 3 फंदे उल्टे बना लिए, हमारा रिपीट पैटर्न ओवर है। लास्ट में हमारे पास ये 2 स्टिचेस सीधे रह गए, निट 2। अब हमारे बॉर्डर के 5 स्टिचेस, 1, 2, 3, 4 और 5, पर्ल 5। ये 5 फंदे उल्टे हमने दोनों तरफ बनाते जाना है, रॉन्ग साइड से भी, राइट साइड से भी, और इस साइड भी और इधर भी। और अब हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो गया, 4 रोज़ का पैटर्न है। एक बार हम यही 1, 2, 4 रोज़ एक बार और रिपीट करेंगे, और मैं ये एक बार और बना करके फिर आपको दिखाती हूँ कि 1, 2, 4 रोज़ मैंने एक बार और रिपीट कर ली। और अब हम आगे डिक्रीजिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास टोटल स्टिचे थे 47, 5 स्टिचे हमने बॉर्डर के रखे हुए हैं, और यहाँ पर मैंने जो डिवाइड किए हैं ये बॉर्डर प्लस 23 स्टिचेज इधर और 23 स्टिचेज इधर, और 1 स्टिच हमने दोनों मार्कर के बीच में लिया हुआ है। 5 स्टिचे हमारे ये हैं, और 18 स्टिचे ये हो जाएंगे, और ये 23 स्टिचेज हो गए। अब हमने यहाँ पर डिक्रीजिंग स्टार्ट करनी है। तो ये रो 1 है हमारी डिक्रीजिंग की राइट साइड से। तो ये 5 स्टिचेज मैंने ये बॉर्डर के बनाए हैं, इन्हें भी हम उल्टा ही बनाएंगे। तो ये हमारे 18 स्टिचेज जो हैं, अब हम इनमें से 6 स्टिचेज रखेंगे। यहाँ पर देखिए 2, इस मार्कर से पहले 2, 4, 6 एक स्टिच और बना लेंगे, और यहाँ पर ये हमने स्टिचेज उल्टे बना लिए, और ये हमारे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 17 हो गए, और यहाँ पर ये 6 स्टिचे रहेंगे। 6 स्टिचे ये हमने उल्टाया, और इसको पीछे से 2 का एक करेंगे, नीट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप, अगेन इसे पलटाएंगे इस तरह से,
और पीछे से दो का एक करेंगे ऐसे, नीट टू टुगेदर थ्रू बैक लूप, और इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, इस तरह से करेंगे। और ये मार्कर को इधर शिफ्ट करेंगे, सेंटर वाले को यहीं रहने देंगे इस तरह से। अब फिर हम यहाँ पर हमने ऐसे ही करना है, यहाँ पलटा के नहीं करेंगे, बैक साइड से नहीं, सिंपली हम इस तरह से ही करेंगे, इस तरह से। और ये भी हम ऐसे ही करेंगे, और यहाँ भी हमने थ्री टाइम्स करेंगे, मार्कर से पहले भी थ्री टाइम्स और बाद में भी थ्री टाइम्स, तो ये हमारे बीच में सेवन स्टिचेस हो गए। अब हम इनको उल्टा बनाएंगे, जैसे हमने इधर बनाए थे, तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन और ये सेवनटीन, ये सेवनटीन स्टिचेस हो गए, ये हमारे उल्टे। अब रो टू है रॉन्ग साइड से, तो ये हम रो बनाएंगे ये उल्टे फंदे, तो पूरी रो हमने ये उल्टे फंदों की ही बनानी है, पर ऑल द स्टिचेस। हमारी राइट साइड से थर्ड रो है, पहले हमने 17 स्टिचेस डाले थे, अब हम थ्री और छोड़ेंगे, तो अब हम 14 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे। फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन और ये 14। अब देखिए हमारे पास 6 स्टिचेज रहने चाहिए मार्कर से पहले, तो ये 3 और ये 3 6। अब अगेन हम 3 टाइम्स दो का एक करेंगे, निट टू टुगेदर थ्रू बैक लूप, अगेन निट टू टुगेदर थ्रू बैक लूप, इसको भी इस तरह से पलटाएंगे और पीछे से दो का एक करेंगे। तो अब यहाँ पर फिर हमारे पास 3 स्टिचेस कम हो गए, इसको इधर शिफ्ट करेंगे और इसको आगे को घुमा लेंगे। अब ये बीच वाला स्टिच ऐसे, इसको हम ये सीधा बनाएंगे और इसको हम इस तरह से लेंगे, और अब ये वाले स्टिचेस हम ऐसे दो का ही करेंगे 3 बार। तो अब इधर देखिए 2 4 6 8 10 12 14, इधर भी हमारे पास 14 रह गए, तो पर 14। तो ये रो मैं उल्टे फंदों की बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। फोर्थ रो रॉन्ग साइड से, तो रॉन्ग साइड से हमने सारी रोज अपनी उल्टी ही बनानी है, पर ऑल द स्टिचेज, तो सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो हम कंप्लीट कर लेंगे। नाउ रो फाइव राइट साइड से, उल्टे स्टिचेस बनाएंगे हम, उल्टे स्टिचेस बनाएंगे 13, ये हो गए 5, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब हमारे पास रह गए 4, अब हम इन दो का एक करेंगे इसी तरह ऐसे, फिर इस तरह से, उसके बाद ये वाला हम इस तरह से सीधा बनाएंगे। इसको फ्रेंड्स हमने सीधा ही बनाना है, और मार्कर को इस साइड कर लेंगे। अब यहाँ पर
दो का एक, दो का एक दो बार। अब हमारे पास इधर 2, 4, 6, 8, 10 और ये 13, 13 स्टिचे इधर आएंगे, इन्हें हम उल्टा बनाएंगे। अब हमारी है 6th रो रॉन्ग साइड से, तो ये पूरे उल्टे स्टिचे बनाएंगे पर ऑल द स्टिचेस। तो ये रो मैं बना लेती हूँ। अब हमारी है 7th रो राइट साइड से, तो अब हम 13 फंदे उल्टे बनाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहले भी हमने 13 बनाए थे, अब भी हम 13 बनाएंगे, 11, 12 और ये 13। अब हमारे पास 2 स्टिचेज रह गए। अब हम यहाँ पर इन दो का एक करेंगे, नीट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप इस तरह से। अब मार्कर को ऐसे शिफ्ट करेंगे, इसको हम सीधा बनाएंगे, मार्कर को ऐसे शिफ्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर एक दो का एक करेंगे। अब यहाँ पर भी हमारे पास 13 होने चाहिए, 2, 4, 6, 8, 10 और ये 13 स्टिचे रह गए, इन्हें हम उल्टा बना लेंगे। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हमारी 8th रो है रॉन्ग साइड से, तो ये रो तो हमने उल्टे फंदों की ही बनानी है। सारे स्टिचे उल्टे बनाएंगे पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड देखिए, अब हमारे पास टोटल 29 स्टिचे रह गए, 14 ये, 14 इधर और 1 ये। 29 स्टिचेस हम ऐसे ही बनाते जाएंगे। हमारी 9th रो कंप्लीट होगी। देखिए ये हमने अब पूरी जो है उल्टे स्टिचेस की बनाई है। अब हमारी रॉन्ग साइड से रो नंबर 10, ये भी हम पूरे उल्टे स्टिचेस ही बनाएंगे पर ऑल द स्टिचेस। तो सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हमारी 10th रो बन गई रॉन्ग साइड से, और अब 11th रो। अब इसमें हमने जाली बनानी है डोरी डालने के लिए। पहले हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे पर 2, उसके बाद इस तरह से थ्रेड रैप करेंगे, 2 फंदे इकट्ठे लेंगे, एक कर देंगे इसका पर्ल 2 यार्न ओवर, पर्ल 2 टुगेदर। अब 1, 2, 3 3 फंदे उल्टे, उसके बाद अगेन यार्न ओवर, 2 फंदों का एक, पर्ल 2 टुगेदर, 1, 2, 3 पर्ल 3 यार्न ओवर, पर्ल 2 टुगेदर, 1, 2 पर्ल 3। इस तरह से थ्रेड रैप करोगे, ऐसे यार्न ओवर, पर्ल 2 टुगेदर, 1, 2, 3 अब हमारे पास लास्ट में देखिए 2 फंदे 3 बनाने हैं हमने, तो यहाँ पर 3 बनाएंगे तो लास्ट में 2 का 1 आएगा। अब हम यहाँ पर 2 फंदे ही बनाएंगे उल्टे, और अब हम यहाँ पर होल बना देंगे। देखिए अब यहाँ पर हमने 2 फंदे उल्टे बनाए, पर्ल 2 टुगेदर, पर्ल 2 यार्न ओवर, पर्ल 2 टुगेदर, पर्ल 1। ये थी हमारी 11th रो राइट साइड से। अब हमारी है 12th रो रॉन्ग साइड से, तो ये रो हम पूरी उल्टी बनाएंगे पर ऑल द स्टिचेस। ये फंदे उल्टे बनाएंगे, ये हमारा जाली वाला फंदा है। तो इस तरह से हम सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए 12th रो हमारी कंप्लीट होगी। अब है 13th रो, और फ्रेंड्स अब इसी तरह दोनों तरफ से
उल्टे उल्टे स्टिचेस बनाते हुए हम 8 रोज बना लेंगे। 8 सिलाइयाँ ऐसे ही निकाल लेंगे जिससे हमारी ये 4 स्ट्राइप्स बन गई। एक ये से बननी शुरू हो गई तो ये 4 स्ट्राइप्स हम बना लेंगे। तो ये मैं 8 रोज बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, होल्स के बाद मैंने 1, 2, 3, 4 स्ट्राइप्स मीन्स 8 रोज हमारी बन गई। अब हम इसे करेंगे बाइंड ऑफ। बाइंड ऑफ करने के लिए हम ये स्टिच सीधा बनाएंगे, इसे भी सीधा बना लेंगे, नीट 2। फर्स्ट स्टिच को सेकंड के ऊपर से ड्रॉप डाउन करेंगे, नीट 1। इस तरह से हम अपने स्टिचेस सारे कास्ट ऑफ कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से बन जाएगा। तो ये मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए, ये मैंने इस तरह से बाइंड ऑफ कर लिया। अब हमारा ये शू बूट बूटी रेडी है और इसकी शेप देखिए इस तरह से आएगी, इस तरह से। और अब हमने करनी है स्टिचिंग। तो ये वाला थ्रेड जो यहाँ से हम कुछ यहीं से सफिशिएंट थ्रेड छोड़ के ही काटेंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इसे स्टिच कर लेंगे। और सेम ऐसा ही हम दूसरा पीस भी रेडी कर लेंगे। और इसके लिए फिर हम चेन जो बना करके डोरी बना करके वो इसमें डालेंगे। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ दूसरा पीस, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने स्टिच कर लिया है, इस तरह से बना है। और अब हम इसके लिए डोरी बना लेते हैं। और इसके लिए मैंने लिया है ये 9 नंबर क्रोशे हुक, क्योंकि ये डबल थ्रेड से बनाने जा रही हूँ मैं। आप सिंगल थ्रेड से भी बना सकते हो, क्योंकि हम छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं। तो हम ये थोड़ा सा थ्रेड छोड़ करके फिर बनानी स्टार्ट करेंगे। और इस तरह से एक नॉट लगा लेंगे और अब हम 40 चेन करेंगे। वैसे आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 36 होगी ये चेन, 37, 38, 39 और ये 40। अब हम इसे इस तरह से कट कर देंगे। और देखिए ये चेन हमारी बूटी के लिए सफिशिएंट है, आप इससे कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो हम जैसे ऐसे इधर छोड़ा है ऐसे ही छोड़ करके हम कट ऑफ कर देंगे थ्रेड। और अब हम नीडल में डाल लेंगे थ्रेड। नीडल में डाल लीजिए, मैंने ये अभी स्टिच किया था तो ऐसे थ्रेड है, नीडल में इसी में ही डाल लेते हैं। इस तरह से ऐसे ही ले लेते हैं क्योंकि हमने थोड़ा सा ही डाल। अब देखिए ये सेंटर में हमारे ये सेंटर है, तो हम इधर से इस तरह से डालना स्टार्ट करेंगे। ये हाथ से भी बड़े आराम से डल जाएगी डोरी। यहाँ से डालेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। ये चेन हम जैसे ये सीधी कर लेंगे। यहाँ पर बल ना आए, ये चेन सीधी सीधी दिखाई दे। और फ्रेंड देखिए ये हमारा ये शू बन करके रेडी है। और अब हम यहाँ पर तो जैसे स्टार्टिंग में एक नॉट लगाई थी जब चेन स्टार्ट किए, तो एक नॉट यहाँ पर हम और लगा लेते हैं इस तरह से। और इधर हम 2 नॉट्स लगाएंगे, यहाँ पर हमने इसका एंड किया है। इससे चेन खुलेगी नहीं। अब बहुत छोटे बच्चे हैं इसलिए मैं आगे यहाँ बना के कुछ नहीं लगा रही।
और यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा एक जैसा ये कट कर देते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बूटी बन गई है। और फ्रेंड्स, मैंने इसका दूसरा पीस भी रेडी कर लिया है। तो देखिए ये क्यूट सी कितनी प्यारी लगती है। अगर इसमें डोरी नहीं डालोगे तो भी ये चलेगी, ऐसे भी ठीक आ जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा लूज़ नहीं बनती। और चलिए फ्रेंड्स, बनाइए इसे, पहनाइए अपने छोटे छोटे बच्चों को। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।